टेहरी नरेंद्रनगर विधानसभा की दोगी क्षेत्र में वर्षों से लंबित पड़ी समस्याओं का निदान न होने पर क्षेत्र के युवाओं ने आंदोलन का ऐलान किया है। मंगलवार को युवाओं ने अपनी समस्याओं को एक लेकर गूलर में एकत्रित हुए। क्षेत्र के युवाओं ने विकास चंद्र रयाल के नेतृत्व में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने दूरसंचार टावरों में नेटवर्किंग व्यवस्था, हर घर नल जल योजना, नियमित जलापूर्ति सहित तमाम समस्याओं को लेकर सरकार से मांग की है। वहीं बैठक में उन्होंने ऐलान किया है कि यदि प्रदेश सरकार लंबित मांगों पर निराकरण की कार्रवाई नहीं करती है तो गूलर में उग्र आंदोलन करेंगे। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। पिछले साल भी यही जून जुलाई, मई जून जुलाई के टाइम पे हमने क्षेत्र में नेटवर्क को लेके, जल संकट को लेकर के, अस्पतालों में जो व्यवस्था बिल्कुल बुरी कदर फेल हो रखी है उसको लेकर के हमने धरना दिया था 11 दिन का और 3 दिन का, और सरकार के हर विभागों से हमने पत्राचार किया था। उसके बावजूद क्षेत्र में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। तो बाद में दोगी पट्टी में स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल संकट अभी भी बरकरार है। सरकार के लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। इन सब परेशानियों को लेके हमारी यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन हुआ। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार हमारी ओर ध्यान दे। पेयजल के लिए सरकार ने सूरज कुंड परियोजना चलाई जो पूरी